हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 7। इस लेक्चर में हम मेनली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर्स और उनके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा फर्स्ट लॉ को रिवीजन करते हैं। फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था? फर्स्ट लॉ की एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब सपोज करो कोई सिस्टम है, उसमें आप कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी स्टेट चेंज होती है। सपोज करो आप उसके अंदर वर्क ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, उसकी अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और उसके बाद आपको क्या मिलता है, हीट मिलती है। तो एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी और स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। लेकिन इसने डायरेक्शन नहीं बताई, डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट्स नहीं बताए कि डायरेक्शन हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। ये भी नहीं बताया कि प्रोसेस हमारी होगी या नहीं होगी, होगी भी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस भी नहीं हमें बताया। तो यही सब चीज़ें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है। पहली बात, जो फर्स्ट लॉ था वो क्वांटिटेटिव इफेक्ट था और जो सेकंड लॉ है वो क्वालिटेटिव इफेक्ट है। फर्स्ट लॉ में हमें चेंज ऑफ स्टेट हुआ जैसे इज फिजिबल और नॉट, वो प्रोसेस फिजिबल भी है या नहीं है वो डिफाइंड नहीं था। सेकंड लॉ में क्या है, ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है वेरियस प्रोसेसेस की। ओके, सपोज करो हीट जो है ऑलवेज फ्लो कहाँ से कहाँ करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर करती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर करती है। वाटर फ्लो ऑलवेज डाउनवर्ड्स, टाइम ऑलवेज फ्लो इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, जो इनका रिवर्स है वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। इनका जो ये जो मैंने आपको बताया हीट का जो फ्लो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, वाटर का डाउनवर्ड फ्लो होना, अगर आप इनका रिवर्स करना चाहेंगे वो क्या है, पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कोई वर्क डन करते हैं। मतलब इनका रिवर्स पॉसिबल है अगर आप उसके अंदर आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना होगा। तो यही सब चीज़ें हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। अब स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन की कैसे पता लगेगी, स्पॉन्टेनिटी या उसकी फिजिबिलिटी आपकी उस प्रोसेस की होगा भी या नहीं होगा वो कैसे पता लगेगा, अगर उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस है। सपोज करो फाइनाइट ड्राइविंग पोटेंशियल होना चाहिए, ड्राइविंग पोटेंशियल मतलब जिसके वजह से वो फ्लो कर सके। टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हीट होगा, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा उसमें वर्क डन होगा या उसका मूवमेंट होगा। जितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उतना अच्छी उसकी स्पॉन्टेनिटी होगी रिएक्शन की। और हमेशा जो ये फ्लो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ये सब चीज़ें हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें और भी चीज़ें बताता है, जैसे कि हीट और वर्क के बीच में डिस्टिंक्शन। सपोज करो ये कोई सिस्टम था, आपने उसको एनर्जी दी है वर्क के फॉर्म में, आपको मिलता है हीट, मतलब आपने अगर उसको वर्क किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और आपको क्या मिलता है, हीट मिलती है। तो वर्क जो है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेबल है हीट में, और जो एरो शो कर रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। बट जो हीट ट्रांसफर है हमारा वो कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफर नहीं होता है। हीट ट्रांसफर क्या है, कम्प्लीटली वर्क में ट्रांसफ़र नहीं होता है, हीट हमेशा ज़्यादा ही रहती है वर्क से। मतलब सपोज़ करो आपकी सिस्टम में हीट दे रहे हैं, आपको कुछ वर्क मिला, कुछ ना कुछ हीट आपकी रिजेक्ट भी होती है, जो हीट है आपकी कम्प्लीटली वर्क में नहीं ट्रांसफॉर्म होती, देयर विल बी सम हीट रिजेक्शन। इस सब चीज़ों को हम आगे प्रूव करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें बेसिक्स जो हैं सेकेंड लॉ के ये आपको आने चाहिए कि सेकेंड लॉ में हम फर्स्ट लॉ में ऐसा क्या नहीं था जो हम सेकंड लॉ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसने दो चीज़ें बताई कि वर्क जो है हमारा हाई ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी है क्योंकि इसमें वर्क जो है हम कम्प्लीटली हीट में ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, और जो हीट है हमारी वो है लो ग्रेड एनर्जी,
क्योंकि वो कम्प्लीटली वर्क में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। तो ये हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी भी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। सपोज करो ये हीट इंजन है। हीट इंजन कुछ नहीं है, आप इसमें कुछ हीट देंगे। आप कोई भी चीज़ में, सपोज करो कोई मैकेनिकल पार्ट है, आप उसके अंदर आपने कुछ हीट दी है, आपको कुछ वर्क मिलता है और उसमें कुछ हीट रिजेक्शन होती है, तो इस मशीन को क्या कहेंगे? हीट इंजन कहेंगे। इसमें एक सोर्स होगा, एक सिंक होगा। सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सिंक का टेम्परेचर कम होगा। जो ये सोर्स और सिंक है, इनको हम एज्यूम करके रखते हैं कि ये इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का मतलब है कि इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग के बीच में, वो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा? सोर्स का सेम रहेगा। सोर्स का टेम्परेचर सेम रहेगा या सिस्टम, ये जो सोर्स है और सराउंडिंग के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होगा, और इसको कह सकते हैं कि इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का है। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है कि आप उसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो क्या रहेगा? नेग्लिजिबल होगा। तो ये दो तीन पॉइंट है हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन में सपोज करो आपने इसको क्यू हीट दी है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, जो आपने क्यू हीट दी है वो कम्प्लीटली वर्क के बराबर नहीं हो सकती। उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट रिजेक्शन होगा सिंक में या सराउंडिंग में या जिसका लो टेम्परेचर है। तो क्यू टू हीट हमेशा क्या होगी? रिजेक्ट होगी। क्यू वन में से कुछ हीट हमारी कम होएगी, तो क्यू टू जो होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यू टू जो होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसमें ये चीज़ हमें डिफाइन हो रही है। अच्छा, इसमें एफिशिएंसी क्या होगी? जितना आपको वर्क मिल रहा है, सेकंड लॉ में एफिशिएंसी भी बताता है कि एफिशिएंसी कैसे निकाल, आपने कितना वर्क, नेट वर्क मिला आपको अपॉन हीट सप्लाइड, आपने कितनी हीट दी है, तो ये क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगी। थर्मल एफिशिएंसी इसको कहते हैं, वर्क नेट अपॉन क्यू वन। अब वर्क नेट क्या है? अगर मैंने आपको बताया जैसे फर्स्ट लॉ में हमें क्यू टू के कंसेप्ट नहीं पता था, तो वो क्यू टू जीरो था, लेकिन यहाँ पर क्यू टू का है जीरो के बराबर नहीं है, तो आपका कुछ जो वर्क है उसमें से Q1 में से कुछ हीट क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। ये क्या है? हमारा नेटवर्क ट्रांसफर है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हीट इंजन है। आपने इसको Q1 हीट दी, कुछ Q हीट निकल गई है और W वर्क मिल रहा है। तो आप सिंपल देख सकते हैं, Q1 आपको मिल रहा है और आप सिस्टम के अंदर दे रहे हैं ये चीज हीट, और आपको मिल क्या रहा है? Q2 प्लस W। तो W क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। तो ये यहाँ से आया, तो वर्क नेट क्या हो? Q1 माइनस Q2 अपॉन हीट सप्लाइड, वन ये यहाँ से वन इसे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ये आगे सब काम आएंगे, इसके ऊपर हम अगले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी क्या होती है, नेटवर्क ट्रांसफर अपॉन हीट सप्लाइड इंटू 100, अगर आपको परसेंट में निकालना है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट्स हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉशियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की तो डेफिनेशन हम इसकी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको डायग्राम के तौर पे आपको समझाऊंगा ताकि आप हमेशा इसको याद रख सकें। इम्पॉसिबल फॉर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन अ साइकिल। इम्पॉसिबल है किसी हीट इंजन के लिए एक साइकिल में, इफ़ इट एक्सचेंजेस हीट विद बॉडीज एट सिंगल फिक्स टेम्परेचर। कहने का क्या मतलब है? जैसे इसकी स्टेटमेंट ये भी मैंने आपको जस्ट समझाया था, जैसे ये सपोज करो इंजन है, अगर ये खाली सोर्स से ही, अगर ये सपोज करो T1 टेम्परेचर है और ये Q1 निकल रहा है और ये W है, कुछ हीट रिजेक्ट हो ही नहीं रही है। रिजेक्ट क्या हो रही है? हो ही नहीं रही। Q2 क्या है हमारा? जीरो के बराबर है। Q2 क्या है हमारा? जीरो के बराबर है। देखिए यहाँ शो करते हैं, ये Q1 है और ये T1 टेम्परेचर मान लो सोर्स का, आपको कुछ वर्क मिल रहा है। ये कह रहा है कि अगर Q2 हमारा जीरो हो गया तो ये साइकिल वर्क नहीं करेगी, साइकिल वर्क नहीं करेगी। तो ये हमारा क्या बताया था? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने बताया था हमें। उसके बाद क्लॉशियस भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल साइकिल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमें क्लॉशियस स्टेटमेंट समझ आएगी।
तो रिवर्सिबिलिटी में जैसे कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसी प्रोसेस है इन सच अ वे दैट द सिस्टम और जो सराउंडिंग है जो चेंज हुआ था उनके अंदर वो दोबारा से रिस्टोर हो जाए अपनी ओरिजिनल स्टेट में चले जाओ विदाउट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट ऑन द यूनिवर्स. यूनिवर्स या सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अगर इन पे यूनिवर्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी. ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है. तो प्रोसेस अपनी दोबारा से उसी स्टेट में चली जाए विदाउट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट ऑन द यूनिवर्स. जैसे कि इस डायग्राम में देखते हैं, ये सपोज करो एक प्रोसेस है ए से बी, ये जो डायरेक्शन शो कर रही है ए से बी और यही सेम पाथ फॉलो कर रहा है बी टू ए, फॉलो सेम पाथ और यूनिवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये बहुत स्लो प्रोसेस है. एज्यूम कर सकते हैं कोई ऐसी स्टैटिक प्रोसेस जैसे, ठीक है. तो ये सब जो कंडीशन है किसकी है, रिवर्सिबिलिटी की है. फ्रिक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है. डिसिपेटिव इफेक्ट जो हम कह सकते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉसेस नहीं होने चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए रजिस्टर में. तो ये सब चीज़ें क्या अगर नहीं होंगी तो वो प्रोसेस क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, ठीक है. अब कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या क्या है, ये हम एक तरह से रिविज़न ही कर रहे हैं. हम फर्स्ट लॉ में ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी देखते हैं. तो सबसे पहला था थर्मोडायनेमिक लैक ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम का लैक होना. इन तीनों इक्विलिब्रियम में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मैकेनिकल थर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों का अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब सपोज करो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का जो प्रेशर है और सिस्टम का प्रेशर जब बराबर हो जाता है या इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं. थर्मल में जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, और केमिकल में इन दोनों के बीच में रिएक्शन ना हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रिएक्शन ना हो. जब ये तीनों चीज़ हमारी सेटिस्फाई करेगी तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, ओके. अब देखिए तो डिसिपेटिव इफेक्ट्स अगर जहाँ जहाँ आएंगे किसी प्रोसेस में डिसिपेटिव इफेक्ट्स आएंगे, जैसे फ्रिक्शन, स्ट्रेसेस, विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस, इंटरनल फ्लूइड रेजिस्टेंस, अगर ये किसी प्रोसेस में हैं तो वो प्रोसेस क्या होगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी. देखिए जैसे वर्क ट्रांसफ़र है, प्रोसेस है, कोई मैकेनिकल वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर उसके अंदर प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा, या डीपी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, टेंड्स टू ज़ीरो होगी, तो वो प्रोसेस क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा. इसी तरह से हीट ट्रांसफ़र अगर डेल्टा टी ज़ीरो होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा. डेल्टा सी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ज़ीरो होगा तो मास ट्रांसफ़र नहीं होगा. तो ये सब चीज़ें हैं कि जो कि हमारा रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी को डिस्टिंक्ट करती हैं, ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको फ्री एक्सपेंशन और थ्रॉटलिंग में बताया था, इसमें फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है. ये सब पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल है, कौन कौन सी इरिवर्सिबल है. मेनली सभी नेचुरल प्रोसेसेस हमारी जो होती हैं इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है. जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है. अब जैसे कि एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ते हैं. जैसे मैंने आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था, ये होता है. अब कोई भी सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि जब इनमें सोर्स और सिंक के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस था, सोर्स और सिंक के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस था तभी तो हमें वर्क मिला, तभी तो हीट फ्लो हुई है, कुछ हीट हमारी मिली है, कुछ हमें वर्क मिला है और कुछ हीट रिजेक्ट हुई है. तो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है. किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है. तो खाली है रिवर्सिबल साइकिल के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है, जैसे कि हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा था 1 - Q2/Q1. तो Q2 कहां पर, कौन से मतलब जो Q2 है हमारा वो कहां पर है, सिंक में है, Q2, और ये क्या है, Q1 है. तो ये क्या T2 है, ये हमारा T1 है. तो Q2 किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, टेम्परेचर के,
मतलब सिंक के टेम्परेचर के, और जो Q1 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कौन से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सोर्स के टेम्परेचर पे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से T2 लिख सकते हैं और Q1 की वैल्यू T1। ये एक्चुअली में जो Q2 अपॉन Q1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरह से T2 अपॉन T1 के, फॉर रिवर्सिबल साइकिल ओनली। खाली किस पे डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा हीट ट्रांसफर। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्म 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 क्या है, हमारा सिंक का टेम्परेचर है और T1 सोर्स टेम्परेचर है, तो हम इसलिए लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, रेफ्रिजरेटर्स और हीट पंप के बारे में पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर्स देखिए, अब हीट इंजन क्या था, आप हाई टेम्परेचर से किसी इंजन में हीट फ्लो कराते हैं, आपको कुछ वर्क मिलता है और कुछ हीट रिजेक्ट होती है Q2। रेफ्रिजरेटर में देखिए क्या है कि आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट फ्लो कराएंगे, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, और आपको कुछ वर्क डन करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट किया है कि जो हीट है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में फ्लो करती है विदाउट एनी डिवाइस, और जो इसका रिवर्स है नॉट पॉसिबल बाय इटसेल्फ, मतलब अपने आप नहीं होगा, आपको कुछ वर्क करना होगा। मतलब लो से अगर हाई आपको करना है तो आपको कुछ डिवाइस लगानी होगी, तब पॉसिबल होगा। उस डिवाइस का नाम क्या है, रेफ्रिजरेटर्स या पंप, रेफ्रिजरेटर्स या पंप। अब देखिए एक एग्जांपल है, जब हम आरएसी में पढ़ेंगे साइकल्स तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रीफ आइडिया हमें होना चाहिए कि होता क्या है रेफ्रिजरेशन साइकिल में। रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक इवोपरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक एक्सपेंशन वॉल्व होती है। देखिए लो टेम्परेचर के स्पेस में से हीट क्या होती है, ये रेफ्रिजरेटर का जो काम है, लो टेम्प जो स्पेस है हमारा, रेफ्रिजरेटेड स्पेस है हमारा, उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है। जो QL हीट है, जितना ज़्यादा ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। तो यानी कि इवोपरेटर इस जोन में हमें जितना ज़्यादा आपका ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा रेफ्रिजरेटर, QL को जितना ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। तो ये रेफ्रिजरेटर का काम था, और ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जब हीट फ्लो करेगी तो आपको कुछ वर्क करना होगा, आपको वर्क मिलेगा नहीं, आपको कुछ वर्क करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, रिमूव हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस, जहाँ पर हमें मतलब एटमॉस्फेयर जो हमें चिल्ड चाहिए नॉर्मल से, तो वहाँ से हम हीट रिमूव करेंगे। किसी भी जगह की अगर आप हीट को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, आपको कोल्ड इफेक्ट आपको मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है रेफ्रिजरेटर, टू रिमूव हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। अब देखो उसका डिजायर्ड, अब जो COP होता है, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये बहुत कंफ्यूजिंग है किसके लिए, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए। देखिए है तो दोनों के लिए सेम ही, साइकिल भी सेम रहेगी, लेकिन जो इनके डिजायर्ड आउटपुट्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर है, उसका मेन डिजायर्ड आउटपुट क्या है, वो जितना ज़्यादा QL निकाले, QL मतलब QL means वो सोर्स सिंक से कितना ज़्यादा आपकी हीट निकाल सकता है, वो डिज़ायर्ड आउटपुट है आपका, क्या है, QL है। डिज़ायर्ड आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के लिए R means रेफ्रिजरेटर, तो आपने डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, QL अपॉन वर्क। वर्क क्या है हमारा, अब देखो यहाँ से डायग्राम से देखिए आप, R के लिए WB प्लस QL बराबर QH, और तो W क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, QH माइनस QL, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया QH माइनस QL इस डायग्राम से, और QL क्या है हमारा, डिज़ायर्ड इफेक्ट है इधर। तो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला, किसके लिए होगा, रेफ्रिजरेटर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने के लिए, रेफ्रिजरेटर में हमें जितनी ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा वो डिज़ायर्ड आउटपुट है। और पंप के लिए देखिए क्या है, हीट पंप में क्या है, जितनी ज़्यादा हीट ये सोर्स की तरफ या जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ दे सकता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है। मतलब इसका डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या होगा, QH होगा, क्या होगा, QH होगा। और वर्क डन भी से जो हम इसमें वर्क तो तभी करना ही होगा क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करानी है
हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करानी है, आपको कुछ वर्क करना होगा, तो इसी तरह से आपने क्या है यहाँ पर वर्क किया है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करिए, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, तो आपने वर्क किया। अब ये पंप है, पंप है तो मतलब आपको हीट को पंप करना है, हीट को आपने पंप किया, पंप किया तो आपका जो जो ये रूम को जो टेम्परेचर है आपको 20 डिग्री पे मेंटेन करना था सपोज कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी अगर इसमें से हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। तो सपोज़ करो, आप सपोज़ करिए यहाँ से 5 किलो, वो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको ना। अब देखो पंप और रेफ्रिजरेटर के सीओपी में आपको क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है हमारा, QH है, ठीक है। देखो सपोज़ करो 5 किलो जूल हीट आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की है और आपने कितना वर्क किया, 2 किलो जूल, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपने 5 किलो तो यहाँ से दी है 5 किलो जूल और यहाँ से आपने 2 किलो जूल वर्क किया, तो आपको मिला कितना है टोटल 7। देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और मिलेगा कितना आपको 7 किलो जूल मिल रहा है आपको। तो देखिए आपका सीओपी जो पंप के लिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या मैंने आपको बताया, QH कितना ज़्यादा हीट ये पंप कर रहा है हाई टेम्परेचर में, वो क्या होगा QH/W, तो 7/2, तो कितना हो गया 3.5 आपका सीओपी हो गया पंप का। और रेफ्रिजरेटर का सेम इसमें देखिए, इसमें जो डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या होता है, QL होता है, जो लो टेम्परेचर पे होता है आपका, वहाँ से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो वो क्या है 5 किलो जूल, डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन कितना है 2 ही है, वो कितना होगा 2.5। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन पता लगी, जो पंप का सीओपी होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेटर से बाय द वैल्यू 1। मतलब रेफ्रिजरेटर का अगर आपको पता है तो अगर आप उसमें 1+ कर देंगे तो वो किसका सीओपी बन जाएगा, पंप का सीओपी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि रेफ्रिजरेटर और पंप में डिफरेंस क्या था, उनके सीओपीज में क्या क्या डिफरेंस था, और ये जो रेफ्रिजरेटर, जैसे हमने हीट इंजन पढ़ा था, हीट इंजन में आपने कुछ हीट सप्लाई की है किसी मैकेनिकल डिवाइस को सपोज कीजिए, उसमें कुछ हीट रिजेक्ट हुई और आपको कुछ वर्क मिला, 100% वो आपको वर्क हीट से नहीं मिल सकता, जैसे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया, देयर विल बी सम हीट रिजेक्शन। अगर सपोज कीजिए आपको कुछ वर्क करना हो रहा है कि सिस्टम में, और हीट आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करानी है, तो उसके लिए आपको कुछ वर्क करना होगा, नेचुरली वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब यही चीज़ हमें समझ आती है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट ने हमें क्या बताया था। देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट, अब पहले हमने ये रिवर्स साइकिल और रेफ्रिजरेटर पंप्स वगैरह इसलिए पढ़े ताकि क्लॉसियस स्टेटमेंट हमें समझ आ सके। देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट जो सेकंड लॉ की क्या कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लो बॉडी टेम्परेचर टू हाई। मतलब लो बॉडी टेम्परेचर से हाई बॉडी टेम्परेचर में आपको हीट का फ्लो नहीं हो सकता जब तक आप उसमें कुछ वर्क ना करें। सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछे क्लॉसियस स्टेटमेंट ने क्या कहा था कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का फ्लो नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कुछ ना कुछ वर्क का इनपुट दें। तो ये डायग्राम से जैसे पॉसिबल है, ये मैंने कहा नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि आपने 5 किलो जूल आपने हीट एक्सट्रैक्ट करी और 5 किलो जूल आपने एटमॉस्फेयर में पहुंचा दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको वर्क करना ही होगा, कुछ ना कुछ वर्क आपको करना होगा, तो इसलिए जो साइकिल है ये जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को एक्चुअली में केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट को रटना नहीं है, हमें बेसिक आइडिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का होना चाहिए कि, और डिफरेंस भी पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में डिफरेंस क्या था। अगर आपको इस चीज़ का डिफरेंस का आइडिया है और पता चला कि सेकंड लॉ में ये चेंजेस आए हैं और सेकंड लॉ में ये चीज़ें हमें पता लगी हैं, तो ये स्टेटमेंट्स रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट का इक्विवेलेंस क्या है, मतलब आपने सपोज करो कोई स्टेटमेंट को लेके चलेंगे हम इन दोनों में से और दूसरी वाली अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगी, उसको खुद ही सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इन दोनों का इक्विवेलेंस है ये। देखिए कैसे है, अब देखिए जैसे कोई डिवाइस है जो केल्विन प्लैंक को वॉयलेट कर रही है, ठीक है, वॉयलेट कर रही है, उसको फेल कर रही है उस स्टेटमेंट को, वो आल्सो किसको फेल करेगी, क्लॉसियस स्टेटमेंट को। कैसे, वॉयलेशन मीन्स उसको फेल कर रही है उस स्टेटमेंट को। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है,
ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको बताऊं, ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इस पे अगर जो क्वेश्चन बनेगा सिंपल ही बनेगा कि इस क्लॉसेस स्टेटमेंट के लिए और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने क्या कहा था, लेकिन अगर इंटरव्यूअर अगर अच्छे बार्क और इसरो में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और थर्मल आपने गलती से बोल दिया, ठीक है, तो वो आपसे इसी टाइप की स्टेटमेंट्स के बेस क्वेश्चन पूछेंगे और आपके प्रूफ भी आपसे करा सकते हैं। वो रटने वाला काम उनको वैसे भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि डेरिवेशन आया कैसे, ये टाइम वेस्टेज नहीं है जो मैं ये इसका प्रूफ बता रहा हूँ, इससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है, आप कभी ये सब चीज़ें नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब सपोज करो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हाई टेम्परेचर रिजर्वर रिसीव्स अ नेट अमाउंट QL। अब देखो कैसे। ये सपोज करो हाई टेम्परेचर रिजर्वर था, ठीक है, ये लो टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर है और ये किसको वॉयलेट कर रहा है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा है। अब देखिए कैसे, QH हीट यहाँ पर फ्लो कर रही है हाई टेम्परेचर से, इंजन में जा रही है, हीट इंजन में, ठीक है, आपको कुछ वर्क मिल रहा है W इक्वल्स टू QH, क्योंकि ये केल्विन प्लैंक को वॉयलेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसका जो लो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो आपको QH हीट मिली, आपको क्या वर्क मिला उतना ही, ठीक है। देखते हैं ये क्लॉसियस स्टेटमेंट को वॉयलेट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब आप सपोज करो यहाँ से QL हीट ये एक्सट्रैक्ट कर रहा था, QL हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा था, और यहाँ से कितना हीट इसको मिली है, यहाँ से QH हीट मिली है जैसे यहाँ से, क्योंकि देखिए जब यहाँ से QH है आपको मिल रहा है और ये क्लॉसियस स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा कि आपको जितना कोई हीट रिजेक्शन नहीं होगी, अब जितना आपका QH था उतना ही यहाँ मिलेगा, तो वर्क डन बराबर QH हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, मतलब आपको QH यहाँ पर मिला। अब यहाँ से आप कुछ QL या सेकंड वाले में देखिए रेफ्रिजरेटर की बात करें, अब वो QL हीट आप यहाँ से ले रहे हैं लो टेम्परेचर से और QH हीट आपको यहाँ से मिल रही है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, QH प्लस QL। अब देखिए इस प्रोसेस में देखिए हाई टेम्परेचर रिजर्वर को क्या क्या मिल रहा है, हाई टेम्परेचर रिजर्वर को क्या क्या मिल रहा है देखते हैं, इस टोटल डायग्राम से शो को देखते हैं। देखो QH प्लस QL तो ऊपर की साइड जा रहा है, QH प्लस QL ऊपर की साइड जा रहा है और QH जो है हमारा नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, QH प्लस QL क्योंकि ये ऊपर की साइड है और नीचे क्या है QH है, माइनस QH, तो नेट हीट जो हमारी कितनी फ्लो कर रही है, नेट अमाउंट हाई टेम्परेचर में QL जा रही है। यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हाई टेम्परेचर था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा था, तो यहाँ पर इसका लो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है इंजन का, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो ये QH हीट यहाँ से इसको मिल रही है और उतना ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट को ये वॉयलेट करेगा या नहीं करेगा। देखो सपोज करो ये QL हीट यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये रेफ्रिजरेटर है तो ये कुछ हीट करेगा, मतलब हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये कुछ वर्क कर रहा है, कितना कर रहा है, QH कर रहा है, तो यहाँ से ये कितना जाएगा इस डायग्राम से देखिए, इसमें ये भी ऐड हो रहा है QH और QL भी ऐड हो रहा है, तो QH प्लस QL ऊपर की साइड जाएगा, QH प्लस QL देखो ऊपर की साइड जा रहा है और QH इसके लिए बात करें अगर हम, इसके अंदर QH प्लस QL ऊपर की साइड जा रहा है और जो QH है नीचे के अंदर बाहर निकल रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा आपका, QL दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या समझ आया इस डायग्राम में देखते हैं, हाई टेम्परेचर में देखिए QL जैसे मैंने बताया नेट इफेक्ट क्या हो रहा था, QL जो आपका हाई टेम्परेचर पे जा रहा था नेट इफेक्ट, और QL ही आपका क्या था, हीट आप जितनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जितनी आपने हीट आपने एक्सट्रैक्ट करी उतना ही ये चला जाए, कुछ ना कुछ आपको वर्क करना ही होगा, जैसे कि क्लॉसियस स्टेटमेंट ने हमने बताया था, ये चीज़ क्या है, पॉसिबल नहीं है,
तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को इस तरह से हम मान के चले कि वो वॉलेट कर रहा था, उसको फेल कर रहा था कोई भी सिस्टम, तो वो ऑटोमेटिकली क्लॉसेस स्टेटमेंट को भी फेल कर रहा, उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें क्लियर होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को यहाँ पर वो फेल कर रहा था, तो ये W इक्वल्स टू क्यू एच क्यू आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ हीट रिजेक्ट हो ही नहीं रही है, तो जितना क्यू एच आ रहा है उतना ही W इधर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटर में क्या हुआ फिर, ये क्यू एच आ रहा है। एक्चुअली मैं कई बार इसीलिए बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है, एक बार ये चीज़ अगर क्लियर होगी तो आप कभी नहीं ये भूलेंगे, और ये स्टेटमेंट्स रटने की भी ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। कोई भी आपसे पूछे, कोई भी इंटरव्यू में पूछे, अगर आप इसका प्रूफ अगर इस तरह से बता देते हैं तो सिलेक्शन पक्का है आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कार्नोट्स थ्योरम। देखो कार्नोट्स थ्योरम भी एक तरह से पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम इसका जल्दी से प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना मैं फिर बता रहा हूँ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इंटरव्यू में पूछेंगे, अगर आपने आपको ये पता होगा कि ये प्रूफ आया कैसे, ये मतलब ये अगर आपको प्रूफ या उसका डेरिवेशन थोड़ा सा आइडिया होगा तो उसको आप स्टेटमेंट को कभी नहीं भूलेंगे, और उससे आपको हमेशा ये भी आइडिया रहेगा कि ये चीज़ आई कैसे, ठीक है। कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो कार्नोट्स थ्योरम ने क्या कहा था, कोई भी हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन द रिवर्सिबल इंजन, कोई भी हीट इंजन रिवर्सिबल इंजन जितना एफिशिएंट नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक है। सेम अगर टेम्परेचर लिमिट है सोर्स और सिंक की, T1 और T2 मान के चलें अगर, तो हमेशा हीट जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी इरिवर्सिबल इंजन से, ठीक है। या इसकी जो कॉलरी है वो क्या है, ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट हैव द सेम एफिशिएंसी। अगर सभी रिवर्सिबल इंजन की हम अगर हम बात करें, ABC की बात करें, तो अगर सारे रिवर्सिबल है तो उनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रूव करना है इसको कि रिवर्सिबल इंजन की जो आपकी एफिशिएंसी वो ज़्यादा है। सपोज करें कि EB जो है हमारा इंजन है, EA और EB दो इंजन है, EB जो है हमारा मान के चलो, B जो इंजन है वो रिवर्सिबल है और A क्या है, इरिवर्सिबल है, तो हमें प्रूव क्या करना है, B की एफिशिएंसी ज़्यादा है A से, जो कि इस स्टेटमेंट ने कार्नोट की स्टेटमेंट ने कहा कि रिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसको हमें प्रूव करना है। लेकिन प्रूव करने से पहले हम हमेशा जो इस टाइप के प्रूव करेंगे इसके अपोजिट मान के चलेंगे, कि मान के चलते हैं एफिशिएंसी ए की ज़्यादा है, अगर वो कोई भी इन केल्विन प्लैंक या क्लॉसियस की स्टेटमेंट्स को फेल करता है, वॉयलेट करता है, तो वो यानी कि जो हमने अजम्पशन मानी वो गलत है और उसके अपोजिट ट्रू है, ठीक है। इस टाइप का हमारा बेसिस रहेगा कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि जो हमारा हीट है, सपोज करो ये चीज़ हम एक चीज़ मान के चलते हैं, एक अजम्पशन करते हैं कि जो हीट हमारी यहाँ से फ्लो हो रही है, जितनी यहाँ से निकल रही है हीट उतनी हीट ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है। या कह लो कि जो Q1A है वो Q1B के इक्वल है, हाँ। और ये एग्जांपल कैसे, ये चल कैसे रहा है ये प्रोसेस, अब देखिए कैसे चल रही है ये, ये T1 है, इस डायग्राम को समझते हैं, T1 सोर्स टेम्परेचर है, ये सिंक टेम्परेचर है, ये हीट इंजन है। अब अगर आपने Q1 हीट यहाँ से सिस्टम में इंजन में आई है, आपने कुछ Q2 हीट यहाँ से रिजेक्ट होगी और कुछ वर्क डन आप WA करेंगे या ये इंजन करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको EB को रिवर्स साइकिल माने, रिवर्स साइकिल मानने का मतलब है इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वर्क की और हीट्स की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हीट आपकी कहाँ से, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो करेगी, और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा जितना ये WA इधर से आ रहा है, ठीक है। सपोज़ करो आपने WB वर्क यहाँ पर किया, कितना वर्क किया आपने, WB वर्क किया, और इधर से कितना वर्क आ रहा है, WA वर्क आ रहा है, यहाँ से WA वर्क आ रहा है, यहाँ पर वर्क आपने कितना किया, यहाँ नोट कर देते हैं, ये मिस हो गया, WB वर्क किया, ठीक है, तभी ये हीट लो से हाई टेम्परेचर फ्लो करेगी। चलिए मान के चलते हैं कि एफिशिएंसी अपोजिट मान के चलते हैं कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है बी की, बी से मतलब इरिवर्सिबल की ज़्यादा है, रिवर्सिबल एफिशिएंसी का हमें फॉर्मूला पता है, वर्क डन नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाइड, नेटवर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड,
मैंने क्या बताया, एज्यूम कर लो कि जो हीट है हमारी, ये जो हीट सप्लाइड हो रही है हमारी Q1A और Q1B, ये क्या है, सेम मान के चलते हैं इनको, क्या मान के चलते हैं, सेम मान के चलते हैं, तो ये दोनों सेम होगी, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो WA क्या हो जाएगा, WB के बराबर हो जाएगा, ग्रेटर देन WB हो जाएगा, WA ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, WB के, इस रिलेशन से। अगर सपोज करो WA इज ग्रेटर देन WB है, तो इससे क्या होगा, सम पार्ट ऑफ W, अगर WA ज़्यादा है, हमारा WA क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, फीड द ड्राइव ऑफ रिवर्स हीट इंजन, मतलब क्या मतलब है इसका, अगर सपोज करो अब WA यहाँ से रिलेशन से क्या आया हमारा, ज़्यादा आया, ज़्यादा आएगा क्या मतलब है, कुछ WA तो बचा, WA WB से ज़्यादा है, WA WB से क्या है, ज़्यादा है, तो कुछ पार्ट WB, मतलब अब सपोज करो WA 10 है, WA क्या है, 10 है, और WB कितना चाहिए था हमें, 4 चाहिए था सपोज करो, तो 4 तो ये जो देखिए यहाँ डायरेक्शन देखिए WA की, इसके साथ जा रही है, तो 10 है, WA क्या है, मान लो 10 है, WA क्या मान के चले हम, 10 है, इससे आपको क्लियर होगा, और WB क्या मान लो, 4 मान लो, 4 ही हमें किलो जूल चाहिए एनर्जी, ये यूनिट कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो अब सपोज करो WA वर्क हमें लग रहा है 10, और इसको वर्क कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो नेट वर्क कुछ बचा हुआ भी पड़ा है यहाँ पर, कितना है वो, 10 माइनस 4 6 किलो जूल यहाँ पर बचा है, ये चीज़ आपको अब क्लियर होगी होगी। तो यानी कि सम पार्ट तो उसको रिवर्स इंजन को उसने दे दिया, लेकिन कुछ पार्ट बचा भी है, कुछ पार्ट हमारा WA माइनस WB, यानी कि या कह लो 10 माइनस 4 या WA माइनस WB यहाँ हमें बचा है, ठीक है, कुछ वर्क मिल रहा है। अब देखो ये जैसे कि ये सोर्स बिकम रिडंडेंट या कह लो कि इसको हमने रिमूव कर दिया सोर्स को, कैसे, अब देखो यहाँ से हम समझते हैं इस एग्जांपल से, जब ये रिवर्स साइकिल हमने बनाई और मैंने कहा इसको हमने अज्यूम कर लिया ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं अगर इस सोर्स को मैं हटा दूं यहाँ से, और ये Q1 हीट यहाँ से जा रही है और ये कहाँ पर चली जाए, इस इंजन में चली जाए, तो ये एक तरह से साइकिल बन जाएगी, एक तरह से ये साइकिल बन जाएगी, हमें सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, Q1 ये देखो Q1 भी यहाँ से हीट जा रही है, ये दोनों मैंने क्या कह दिया सपोज करो बराबर है, तो यहाँ से जितनी हीट जा रही है उतनी हीट यहाँ इसको चाहिए, यहीं से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से सोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, देखिए ये इंजन रेफ्रिजरेटर था, ये इंजन था, तो यहाँ से कुछ वर्क हमें मिला। अब देखो ये ई और ई बी एक साइकिल बना रहा है, देखो कैसे ई ए बी, ई ए और ये जो बी है एक साइकिल बना रहा है, कैसे बना रहा है, और एक वर्क भी हमें कर रहा है, दे रहा है ये, और ये डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी हमें वर्क मिल रहा है ना, और खाली हमारे पास एक ही यहाँ पर जो है सिंगल फिक्स टेम्परेचर टी टू है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला तो जो हमारा हो गया कैंसल हो गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, खाली एक सिंगल फिक्स टेम्परेचर हमें चाहिए, मतलब इस जो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है इस डायग्राम से, जो भी हमने अजम्पशंस की है यहाँ पर, हमें ये वाला जो सोर्स है तो ख़त्म हो गया, खाली एक सिंक बचा है, और यहाँ पर हमें WA माइनस WB वर्क मिल रहा है। ये किसकी वॉयलेशन है, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की वॉयलेशन है, ये इसको फेल करता है स्टेटमेंट को, क्योंकि यहाँ पर हमें सोर्स भी चाहिए, तभी हमें क्या होगा, सोर्स और सिंक दोनों चाहिए, ठीक है, कुछ हीट रिजेक्शन होना चाहिए, खाली अगर सिंक और सिंक ही बचा तो यानी कि इसका केल्विन प्लैंक का वॉयलेशन है, यानी कि जो भी हमने अब तक अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया था, एफिशिएंसी ए की बी से ज़्यादा है, यही अज्यूम हमने किया था, तो यानी कि ये चीज़ फेल हो गई है, तो यानी कि इसके अपोजिट जो है एफिशिएंसी बी है जो वो ज़्यादा है ए के, यानी कि रिवर्सिबल, जो कि बी क्या है, रिवर्सिबल है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है एफिशिएंसी ए से, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ समझने की थी कि यहाँ पर ये जो सोर्स जो है रिडंडेंट कैसे बनता है, रिडंडेंट कैसे बनता है, मैं फिर एक बार इसको फिर से रिपीट एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर जब ये हीट यहाँ से जा रही है और यहाँ पर हीट इतनी हमें चाहिए, ये हम मान के चलें कि दोनों सेम है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं,
तो यहाँ पर तो सोर्स का कुछ काम ही नहीं रहेगा, यहाँ से जितनी हीट यहाँ से निकल रही है यहाँ पर इसमें जा रही है, ये पूरा पूरा एक साइकिल बन गया, एक पूरी एक साइकिल बन गई जिसमें हमें कितना वर्क मिला, जैसे मैं बता चुका हूँ डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, क्यों डब्ल्यू बी इधर की साइड जा रहा है और डब्ल्यू ए इधर की साइड जा रहा है, तो ये तो इससे भी क्लियर होता है डायग्राम से भी, डब्ल्यू ए इधर जा रहा है और डब्ल्यू बी इधर जा रहा है, तो नेट इफेक्ट कितना होगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो इस साइकिल में एक पूरी एक साइकिल बन गई है और जिसमें कि ये सोर्स तो खत्म हो गया, जब सोर्स ही खत्म हो गया और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने क्या कहा था, आपको दो फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए सोर्स और सिंक, और आपका कुछ हीट रिजेक्शन होना चाहिए सिंक में, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी फ्री में वर्क मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कैल्विन प्लैंक की वॉयलेशन है। तो जो भी हमने माना था, क्या माना था हमने, डब्ल्यू एफिशिएंसी ए की बी से ज़्यादा है, ये गलत होगी, तो इसका अपोजिट ट्रू क्या है, एफिशिएंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ए, ये कार्नोट थ्योरम हमारी यहाँ पर प्रूव हुई है। मेरा मेन मकसद जो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट्स भी मैं खाली रटवा सकता था और लेक्चर को ऐसे ही कर देता, मेरा मेन मकसद यही था कि बिल्कुल बेस से लेके चलूँ इस चीज़ को और उसके मैक्सिमम जितने भी उसमें कंसेप्ट हैं उसको पूरा करा सकूँ। कोशिश मैंने इस चीज़ की बहुत की है, ठीक है, होप आपको ये लेक्चर पसंद आए, लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।